इन प्यारे फूलों के साथ आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और ये देखिए कितने प्यारे फूल खिले हैं, और इसमें मैंने पहली बार देखा है, इसमें डबल कलर आया है बोगनविला में। और आज मैं आपसे एक छोटा सा अपडेट शेयर करूंगी अपने गुड़हल का, जो मैंने कटिंग लगाई थी। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, तो ये देखिए अभी ये इतनी बड़ी हो गई है। और मैंने इसको छोटा ही रखने का सोचा है, इसलिए मैंने इसकी पिंचिंग की है। और देखिए अभी बहुत ही छोटा मेरा प्लांट है। देखिए अभी मैंने ये हाल फिलहाल में लगाया था, और अभी काफ़ी छोटा है। छोटा इसलिए है क्योंकि मैंने इसकी बहुत पिंचिंग की है, और कलियां इसमें अब आने लगी हैं। कलियां इसमें पूरी भर गई हैं। कोई भी अगर प्लांट हो, अगर आप उसकी पिंचिंग करते हैं, या फ्लावरिंग हो या फिर आपका शो प्लांट हो, तो वो बहुत ज़्यादा घना होगा, बहुत सुंदर लगेगा। और ढेर सारी उसमें जितनी भी पिंचिंग करेंगे, जितनी डालियाँ निकलेंगी, उतने में ही कलियाँ आएंगी। तो एक ये भी रीज़न है कि इसमें बहुत ढेर सारी कलियाँ आई हैं। और जो भी फर्टिलाइज़र है वो तो मैं हमेशा देती रहती हूँ, तो एक ये भी चीज़ है। अभी जैसे कि बारिश आने वाली है, कुछ दिन में बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसमें हिबिस्कस की कटिंग लगाइए, बहुत आराम से चल जाएगी। किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं आप, बारिश के मौसम में बहुत अच्छा टाइम होता है कटिंग लगाने का। और ये मेरा बहुत अच्छा प्लांट चल गया है, एक मिट्टी के एक छोटे से घड़े में लगा हुआ है। इसमें दो प्लांट लगे हुए हैं, एक सीजनल प्लांट है और ये तो परमानेंट प्लांट है हिबिस्कस। और देख रहे हैं ना आप, हर जगह से मतलब कि कली आई हुई है, और कुछ दिन बाद इसमें अच्छे से फूल भी खिल जाएंगे। और फूल खिलेंगे तो सारे ब्रांचेस में खिलेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। मेरे जितने हिबिस्कस के प्लांट है वो सारे अभी पॉट में बड़े बड़े हैं, बट मैं इसको छोटा रखने का सोच रही हूँ, तो अभी देखते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था जो आपको देना था मेरे हिबिस्कस की कटिंग का। इसमें जब ब्लूमिंग होगी तो मैं वो पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, कटिंग आप भी लगाया करिए, कोशिश करते रहिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। मैं भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ही सीखी, और अभी भी है जो रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ। नेचर हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है। और ये देखिए इसके पहले बारिश हुई थी, और ये देखिए कितने ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। हिबिस्कस पे तो बहुत ढेर सारे आजकल फूल खिल रहे हैं, और देखिए कितनी ग्रीनरी हो जाती है बारिश के बाद। और ये मेरे गार्डन के फ्लावर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जो बहुत ढेर सारे आजकल बहुत सुंदर सुंदर खिल रहे हैं। हाँ, ये है कि पानी बहुत ज़्यादा आजकल समर्स में लगता है, गर्मी के टाइम में गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा टफ होता है वाकई में। और लेकिन फिर भी देखिए जितना हो सकता है उतना तो अपनी तरफ से किया ही जाता है। और देखिए कितने ढेर सारे फ्लावर्स खिले हैं। इसका भी पौधा आप ज़रूर लगाइए, टेकोमा का, बहुत ढेर सारी ब्लूमिंग होती है। ये मेरा हाइब्रिड भी आता है, देसी भी आता है, आप दोनों लगा सकते हैं, बहुत आराम से चलेगा। हाइब्रिड वाले में बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिएगा, गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। प्लांट की तरह रखिए या फिर लतर की तरह आप इसको चढ़ा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है, हैवी फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए बारिश के बाद रेन लिली फिर से इसमें फ्लावरिंग हुई है, 5-6 फूल एक साथ आए हैं, और बहुत सुंदर ये कलर लगता है। रेनी सीज़न में जैसे बरसात का पानी गिरेगा वैसे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।